हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जिसे आप अगर चाहें तो निबंध के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले, अगर आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए आगे हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और उसके मूल्य को समझना चाहिए। दूसरा जो है, हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। चौथा पॉइंट, हिंदी दिवस हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है और अपने समृद्ध इतिहास और सामाजिक राजनीतिक महत्व को भी प्रदर्शित करता है। पांचवा पॉइंट, हिंदी शब्द की पृष्ठभूमि फारसी शब्द हिंद पर रखी गई है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की घाटी। अगला पॉइंट, हिंदी भाषा का जन्म देवनागरी लिपि से हुई है। सातवां पॉइंट, पहली हिंदी कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। आठवां पॉइंट, हर साल हिंदी के महत्व को जोर देने के लिए यह मनाया जाता है। नौवां पॉइंट, हिंदी ने देश को एक मजबूत संघ के रूप में एक साथ जोड़ने में मदद की है। आखिरी और दसवां पॉइंट, भारत में 78% लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। हर भाषा अनमोल है और हमें इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हिंदी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य हैं, जैसे हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। हिंदी में हर संज्ञा का अपना लिंग होता है और उसी के हिसाब से विशेषण और क्रिया के रूप में भी बदल जाते हैं। हिंदी में सबसे पहले बिहार को राजकाज की भाषा बनाया था। भारत के अलावा मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा में भी हिंदी के प्रमुख भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट, हिंदी की लोकप्रियता को देखते हुए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसको आप लोग याद रखिएगा। हिंदी की लोकप्रियता को देखते हुए तो हो गया। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। यह भारत में बोली जाने वाली अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है। हिंदी दुनिया की 7 भाषाओं में से एक है, जिसे वेब एड्रेस या वेबसाइट का पता बताया जा सकता है। भारत की पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया है तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसे भी दबा देना है। याद रखिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। जय हिंद।